आज हम लोग अपना दिखाए कि इनका हाफ सेंटेंस कंप्लीट हो गया है लालू जी का, आ जाएगा फैसला। आज ही हम लोग उम्मीद कर रहे थे आ जाता, इससे निकलने बाहर निकलने का है, तब सीबीआई वाले लोग जितना दिन खींच सके। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूँ गरिमा भारती। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 19 फरवरी के दिन होनी है। आज सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई के बाद कोर्ट ने 19 फरवरी की नई तारीख मुकर्रर कर दी है। एक बार फिर से सीबीआई ने वक्त मांगते हुए अगली तारीख के लिए रिक्वेस्ट की और कोर्ट ने एक हफ्ते का समय दे दिया। इसके बाद लालू प्रसाद यादव के वकील प्रभात कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। आज हम लोग अपना दिखाए कि इनका हाफ सेंटेंस कंप्लीट हो गया है लालू जी का, और उसमें एक चार्ट में जो दिए थे और लोअर कोर्ट के आदेश के साथ हम लोग उसको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाए हुए थे। फाइनली जो है सीबीआई वाले ने लास्ट में बोला कि हमको भी कुछ ऑर्डर शीट फाइल करना है। ऊपर जैसा बोले कि भाई आपको तो दो हफ्ता का टाइम मिला हुआ था, उसके बाद उन लोग का रिपीटेडली रिक्वेस्ट हुआ, इसी में कोर्ट ने उनको एक हफ्ता अगले शुक्रवार के लिए रखा है और कहा कि सोमवार तक जो है जो भी आपको ऑर्डर शीट फाइल करना है वो कर। क्या लगता है सर, बार बार जो है समय मांगा जा रहा है सीबीआई के द्वारा? क्या जो सीबीआई इसमें निकलने के बाहर निकलने का है, तब सीबीआई वाले लोग जितना दिन खींच सके जैसे कि जेल में। क्या लगता है 19 फरवरी को क्या होगा सर? होगा ही, हाफ सेंटेंस तो हो ही गया, उसमें तो कोई डिस्प्यूट है नहीं, तो हाफ सेंटेंस ऊपर बने 10-15 दिन ऊपर हो जाएगा। तो सर सीबीआई को क्या कुछ उनको बोला कि हम ऑर्डर शीट हम भी देंगे। अच्छा, उनको लग रहा है कि हम उस समय जेल में नहीं थे, लेके आए हम तो ऑलरेडी हम जिस दिन जेल में गए हैं उसका भी ऑर्डर लगा दिया है, जिस दिन जेल से बाहर आए हैं उसका भी ऑर्डर लगा हुआ है, जेल अथॉरिटी से भी हमने राइट टू इन्फॉर्मेशन से मांग के ले लिए कि कब जेल में आए कब जेल से बाहर निकले, हमारा तो कैलकुलेशन एकदम क्लियर कट है, कहीं हम कहीं उसमें डिस्प्यूट नहीं है। तो क्या लगता है सर अगली सुनवाई में आपका जो कैलकुलेशन है उसी के हिसाब से फैसला आएगा? हमारा सपोर्टेड बाय द लोअर कोर्ट रिकॉर्ड है, इसलिए कहीं डिस्प्यूट का प्रश्न ही नहीं उठता है। क्या लगता है 19 फरवरी को फैसला आ सकता है? आ जाएगा फैसला, आज ही हम लोग उम्मीद कर रहे थे आ जाता। 19 फरवरी को लालू प्रसाद जेल से बाहर निकल जाएंगे क्या? 19 फरवरी को तो ऑर्डर होगा, निकलने में 2-4 दिन लगता है। ठीक है, तो आपने लालू प्रसाद यादव के वकील की बातें सुनी, उन्होंने विस्तार में बताया कि आखिरकार कोर्ट रूम में क्या कुछ हुआ। सीबीआई की तरफ से फिर से समय मांगा गया, जबकि कोर्ट ने कहा कि एक बार तो आपको वक्त मिल चुका है। हालांकि लालू प्रसाद यादव के पक्ष से सारी चीजें क्लियर हो चुकी है, उन्होंने वो दस्तावेज भी दिखा दिए जो ये बताता है कि लालू प्रसाद यादव ने दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में भी आधी सजा पूरी कर ली है। लेकिन फिर से रिक्वेस्ट करते हुए सीबीआई के पक्ष से समय मांगा गया और समय कोर्ट की तरफ से दे दिया गया है 19 फरवरी यानी कि अगली तारीख पर अब फिर से सुनवाई होनी है, जहां पर यह फैसला होगा कि आखिरकार लालू प्रसाद यादव को दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में जमानत मिलती है या नहीं। लालू प्रसाद यादव के वकील पूरे यकीन के साथ ये कह रहे हैं कि अगली सुनवाई जब भी होगी तो लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल जाएगी, क्योंकि उनकी तरफ से सारी चीजें क्लियर है, आधी सजा पूरी करने का आधार जो बनाया गया है उसको लेकर भी दस्तावेज कोर्ट में पेश किए जा चुके हैं जो कि सही भी साबित हुए हैं। देखने वाली बात यह होगी कि अगली सुनवाई में कोर्ट में क्या कुछ होता है, लालू प्रसाद यादव को जमानत मिलती है या नहीं। लाइव सीरीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।